घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राग यमन, थोड़ा बहुत उसका स्वरूप अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आज जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं वो यमन थाट में ही समझ लीजिए, कल्याण थाट जो हमारा होता है तीव्र मध्यम का, उसका एग्जाम्पल लेते हुए मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप ये अलग थाटों में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक छोटा सा पैटर्न है, एक छोटे से अलंकार हैं कुछ जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये देख लीजिए कि लीपिंग एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, यानी स्वर छोड़ छोड़ के लगाना, उसी का एक प्रकार है ये। जैसे कि आपने, अगर हमारी स्वरांगिनी किताब आपके पास है तो आपको पता होगा कि हम अलंकार कराते हैं उसमें, जो दूसरे पेज का अलंकार है वो कुछ यूँ है कि सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा नि नि द द प प म म ग ग रे रे सा सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा। ये जो एक 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 छोड़ छोड़ के ये जो अलंकार है, ये भी जब आप तानपुरे पर इसका रियाज करते हैं तो स्वर पक्के होते हैं आपके, क्योंकि जो स्वरों की पोजीशन है वो एक एक करके दूर होती जाती है जो बढ़ते जाते हैं। जैसे सा से सीधा पंचम लगाना है, फिर हमारे डॉक्टर मंदाकिनी लाहिरी जी के कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें तानपुरे पर रियाज बताया है, तो 12 स्वरों का रियाज बताया है, उसमें आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे उसमें भी हैं जैसे सा रे सा ग सा मा सा प सा धा सा ने सा 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 ने सा धा सा प सा मा सा ग सा रे सा सा, है ना। ये कुछ रियाज आपने देखे होंगे। उसी पैटर्न में आगे एक चीज़, एक टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ। ये समझ लीजिए बेसिकली ये कॉर्ड्स का पैटर्न है, है ना, थोड़ा वेस्टर्न पैटर्न है, उसमें हम इसको गाएंगे और स्वर होंगे जैसे कि जो दूरी है स्वरों की वो है सा ग और प की। कल्याण थाट में ही करके आपको मैं बता रहा हूँ, इसका एक अलंकार फॉर्म में मैंने बना दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। जैसे कि सा ग प, तो अब अगर रे से यही सा ग प लगाएंगे, तो अगर मैं फिलहाल तो जैसे मैं पहली सफ़ेद से गा रहा हूँ, इसको सी से गा रहा हूँ, अगर वहाँ से देखें तो पहली सफ़ेद का ऋषभ बनता है दूसरी सफ़ेद। अब दूसरी सफ़ेद का सा ग प लगाना है, लेकिन जो स्वर रहेंगे वो मुँह से क्या निकलेंगे, रे म ध, है ना। तो ये एक पैटर्न है सा ग प का, कॉर्ड्स का पैटर्न है। सा ग प रे म ध ग प नि म द सा सा ध म नि प ग ध म रे प ग सा, है ना। ये पैटर्न है, इसको तानपुरे पर करेंगे तो बेहतर होगा, हारमोनियम के साथ करें तब भी बात वही है, लेकिन जो स्वरों का पक्का बने वो तानपुरे के साथ आएगा, लेकिन पहले इसको हारमोनियम पर कर लें अच्छे से, फिर ही तानपुरे पर करें इसे। तो यही पैटर्न है, एक बार आप मेरे साथ भी कोशिश कर सकते हैं, एक बार इसे समझ लीजिए फिर इसे गाइए। किसी भी थाट में किया जा सकता है, फिलहाल मैं कल्याण थाट में कर रहा हूँ तीव्र मध्यम के साथ, शुद्ध मध्यम लगा के करूँ इसी को तो सा रे ग म प म ग रे ग सा ग प रे म ध, है ना, ऐसे भी किया जा सकता है, बट अभी फिलहाल मैं तीव्र मध्यम से गा रहा था तो तीव्र मध्यम से ही आपको इसको पूरा सुनाऊंगा मैं। प म रे ग रे नि सा सा ग प रे म ध ग प नि म द सा सा ध म नि प ग ध म रे प ग सा। और आगे इसको बढ़ाएं तो ये तीन तीन का हो गया, अब चार चार का करेंगे तो वैसे किया ये भी जा सकता है
सा गा पानी, है ना, ये भी एक पैटर्न बनता है कॉर्ड्स का। सा गा पानी रे मा धा सा, सा धा मा रे नी प ग सा। एक ये तरीका है करने का, इसको आप बार बार करिए। सा ग प नी रे मा धा सा, सा धा मा रे नी प ग सा, है ना। एक ये तरीका है और इसी को थोड़ा और बढ़ा लीजिए। मैं अभी फ़िलहाल आपको एक एक स्वर ऐड करते हुए बताता हूँ, फिर इसका मैं अलंकार जो फॉर्म में मैंने बनाया है वो बता दूंगा। पहला हो गया सा ग प, फिर हो गया सा ग प नी, अब आगे और बढ़ें तो सा ग प नी रे अगला ये जाता है, ये स्वर संवाद है। सा ग प नी रे सा धा मा रे नी सा, ये इसका पैटर्न है। सा ग प नी रे सा धा मा रे नी सा, है ना। ये अगर आप हारमोनियम पर भी बजाएंगे तब भी काफी अच्छा लगेगा। सा ग प नी रे सा धा मा रे नी सा, तो इसका अभ्यास कीजिए। सा ग प नी रे सा धा मा रे नी सा, आप हारमोनियम में भी हाथ इससे इंप्रूव होगा और गायकी में भी इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। एक ये हो गया, अब थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। तो एक अलंकार हुआ सा ग प, अब प से एक स्वर पीछे आना है प म, और ये एक पैटर्न बनाना है सा ग प म, और अगला हमारा क्या था रे म धा, तो मध्यम ऑलरेडी हमारे पास है, यानी अगले पेयर का दूसरा स्वर हमारे पास है। सा ग प म रे म धा प, है ना, रे म धा जाता है तो ध के बाद प लगाना है, हम बैक आएंगे एक स्वर। सा ग प म रे म धा प ग प नी धा म धा सा नी प नी रे सा, सा ग प म रे म धा प ग प नी धा म धा सा नी प नी रे सा धा म प, उल्टे में भी सेम रहेगा। सा धा म प नी प ग म प म रे ग प ग सा रे म रे नी सा, सा धा म प नी प ग म धा म रे ग प ग सा रे म रे नी सा, है ना, ये पैटर्न जाएगा। एक ये हो गया, फिर इसका थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए, पांच का कर लीजिए, जिसमें सा ग प म ग ग तक आ जाइए, क्योंकि अगला जो हमारा फ्रेज है वो रे से शुरू होता है। सा ग प म ग रे म धा प म, है ना, तीन तीन पीछे आ रहे हैं। सा ग प म ग रे म धा प म ग प नी धा प म धा सा नी धा प नी रे सा नी धा सा ग रे सा, है ना। फिर से सुनिए सा ग प म ग रे म धा प म ग प नी धा प म धा सा नी धा प नी रे सा नी धा सा ग रे सा, है ना। फिर इसी का जो उल्टा आएगा वो थोड़ा टिपिकल होगा, सा धा म प धा, है ना, सा धा म प धा नी प ग म प धा म रे ग म प ग सा रे ग म रे नी सा रे ग सा ध नी सा, है ना, ये इसका पैटर्न जाएगा। तो इसका आप अभ्यास कर सकते हैं, बाकी और इसमें फ्रेजेस बना सकते हो अपने हिसाब से भी, इसके पैटर्न बना सकते हो। ये पैटर्न मैंने ही अभी अभी इजाद कर दिए, तो आप भी ऐसे काफ़ी पैटर्न्स बना सकते हो। जो इसका मुख्य अंग है वो आप देख सकते हैं, कॉर्ड्स का अंग है, जो छोड़ छोड़ के लगाने का अंग है, तो एक ये खूबसूरती आती है इसमें। और बना सकते हो जैसे सा ग प नी प ग सा, है ना, जैसा गए वैसे ही आ जाओ। सा ग प नी प ग रे म धा सा धा म,
लेकिन ये जो है थोड़ा ऊंचा जाएगा, सप्तक इसका बढ़ जाएगा क्योंकि सा तक हमें छूना है। सा गा पा नी पा गा रे मा धा सा धा मा गा पा नी रे नी पा मा धा सा गा सा धा पा नी रे मा रे, है ना। ऐसे जाता जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको ना करें, भले इसको जितना कर सकें उतना करें। बाकी जो आप मैंने अलंकार बताए हैं आपको, उनका तो रियाज करें ही करें, और एक एक के बाद एक एक के बाद एक लगाते जाए उसको लगातार, तो बेनिफिशियल होगा गले में स्वर अच्छे बिठाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड की वीडियोस, और ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस और भी हैं जो हमारे चैनल पर हैं, उन्हें देखें करें अभ्यास करें और संगीत में वृद्धि पाएँ अपने। धन्यवाद।